तो सीलेंट रेटा टॉपिक है स्टूडेंट, और सीलेंट रेटा टॉपिक जो हमारा है उसके अंदर हमने सारे इसके स्पेशल पॉइंट तो ले लिए, उसका यूनिक फीचर हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, डन है। अब सीलेंट रेटा में आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं स्टूडेंट, सीलेंट रेटा डाइमॉर्फिक होते हैं। अब ये वर्ड क्या है, एक वर्ड देता हूं आपको, ध्यान से सुनना, एंड दिस इज का डाइमॉर्फिक। यस स्टूडेंट, टू बेसिक फॉर्म इन लाइफ इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक। एक वर्ड, लाइफ में दो स्टेजेस दिखे, दो बेसिक फॉर्म दिखे, श्योर, एक फॉर्म मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप है, एक फॉर्म अलग है, तो उसे कहते हैं डाइमॉर्फिक कंडीशन। दो फॉर्म में दिखना, दो रूप में दिखना, डाइमॉर्फिक, दो लुक जिसे कहते हैं, और दो से ज्यादा लुक तो पॉलीमॉर्फिक, सिंगल लुक तो यूनिमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक, एक ही जैसी लाइफ। जैसे मान लीजिए स्पॉन्जिस, उन्हें का साफ पोरस बॉडी, मटके जैसी स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो वो बस श्योर। अब एक वर्ड और होता है स्टूडेंट, आज आपको नॉलेज दूंगा, डाइजेनेटिक। ये और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेनेटिक स्टूडेंट, टू स्टूडेंट होस्ट, ये पैरासाइट्स के लिए होता है, पैरासाइट्स अपनी लाइफ दो होस्ट में बिताए, उसे कहते हैं डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब टू होस्ट अपनी लाइफ, श्योर, तो ये पैरासाइट्स के लिए वर्ड यूज होता है, और डाइमॉर्फिक मतलब टू लुक। यस, अब जैसे हम स्पॉन्जेस की बात कर रहे थे स्टूडेंट, तो हमने बोला स्पॉन्जेस कैसे दिखते हैं, हमने बताया सब ऐसे होता है, उनकी बॉडी पे पोरस है तो वो एक जैसे, आप चाहे समुद्र में गए बात ली, 10 स्पॉन्जेस निकाले, सब में एक जैसी बात थी। लेकिन जब सीलेंट रेटा की बात आई स्टूडेंट, तो आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, सीलेंट रेटा में दो फॉर्म मिली हमने, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर पढ़ते समय हमने क्या पढ़ी थी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमने ऐसा ही पढ़ा था, ये रहा ये, और हमने यही पढ़ा था स्टूडेंट अभी डायग्राम में, ये और इस तरीके से टेंटाकल्स आया ना। लेकिन एक बात और आपको बताता हूं कि कुछ निडेरिया, कुछ सिलेंट्रेटा ऐसे नहीं मिलते हैं, बल्कि उनका लुक कुछ इस तरीके से होता है, अम्ब्रेला शेप स्टूडेंट, और उनमें माउथ नीचे ऐसे होता है और टेंटाकल्स ऐसे होता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट लुक। यानी आपने मुझे कहा सर, हाँ, सारे निडेरिया ऐसे नहीं मिले, सब निडेरिया ये लुक दे रहे हैं, इट मींस हुआ निडेरिया डाइमॉर्फिक है, टू बेसिक फॉर्म इन लाइफ, डबल स्टार, एक कैरेक्टर और। तो आज अगर मैं निडेरिया के कैरेक्टर्स की बात करूं, तो जरा चालू करें, 1 2 3, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बॉथ डाइजेशन, एंड डाइमॉर्फिक स्टूडेंट। डाइमॉर्फिक मतलब हुआ दो बेसिक फॉर्म स्टूडेंट, और ये जो मैंने आपके सामने बना की थी, मैं नाम भी बता देता हूं आपको, इस बेसिक फॉर्म को पॉलिप के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, और इस बेसिक फॉर्म को मेडुसा के नाम से बुलाया जाता है, ये लीजिए, डन। हाँ, दोनों फॉर्म डिप्लॉयड है, 2n जिसे कहते हैं, हैप्लॉयड मतलब n, हाफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड है दोनों फॉर्म, तो मेडुसा और पॉलिप। जरा इधर देखिए, अब हम इस पॉइंट को लेते हैं, निडेरियंस एग्जिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा, दे आर डाइमॉर्फिक। शानदार वर्ड, डाइमॉर्फिक का मीनिंग आ गया स्टूडेंट, और डाइमॉर्फिक आपके सामने ये रहा, तो वो पॉलिप एंड मेडुसा, डन बानू। अब स्टूडेंट क्या क्या मीनिंग है इनको देखें जरा इधर स्टार्ट, अभी मैंने आपके सामने पॉलिप पढ़ा, पहला वर्ड क्या है, पॉलिप स्टूडेंट, पॉलिप कैसा था, लॉन्ग, आपने देखा लॉन्ग है, सेजाइल है, सिलेंड्रिकल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेजाइल स्टूडेंट, नॉट फ्री स्विमिंग, दिस वन इज कॉल्ड सेजाइल, अपनी जगह पर रहेगा, चिपका हुआ, अटैच, उसे सेजाइल बोलते हैं। तो पॉलिप फॉर्म होती है, वो तैरती नहीं है पानी के अंदर इतना, श्योर, लॉन्ग, सेजाइल, सिलेंड्रिकल, ये फॉर्म होती है पॉलिप स्टूडेंट। पॉलिप में एक और बात है स्टूडेंट, एक वर्ड और आज आपको देता हूं, अगर एनिमल सिंगल यानी अकेला रहता है तो उसे सॉलिटरी वर्ड कहा जाता है, और अगर एनिमल ग्रुप बना के रहता है तो उसे कॉलोनिकल कहा जाता है, एक साथ बहुत सारे एनिमल एक ही जगह, कॉलोनिकल। पॉलिप सॉलिटरी भी होता है, कॉलोनिकल भी हो सकता है स्टूडेंट, दोनों फॉर्म देखने को मिलती है। जो निडेरिया में आपको पढ़ा रहा था उसका एग्जांपल हाइड्रा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था स्टूडेंट, तो हाइड्रा
पॉलिप फॉर्म में देखने को मिला, डन हो गया मामला। पहली बेसिक फॉर्म आपको समझ में आई, जो लुक आपको बोला, आपने कहा साहब ये सिलेंड्रिकल लुक दिख रहा है, मैंने कहा वो पॉलिप है। आपने कहा साहब ये डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, मैंने कहा डिप्लॉयड है। आपने कहा साहब ये मूव करेगा फ्री स्विमिंग, मैंने कहा सेजाइल है, सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, अकेला भी मिल सकता है, कॉलोनी भी बना सकता है। आपने कहा कोई एक दो निडेरिया बताओ एग्जाम्पल, मैंने कहा हाइड्रा जो हम पढ़ रहे थे, एडमिशिया शानदार एग्जाम्पल। ये दोनों के दोनों मेंबर हुए हैं स्टूडेंट जो ये कैरेक्टर रखते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या थी? सेकेंड फॉर्म ऐसी थी, अम्ब्रेला शेप स्टूडेंट। नाम क्या था? मेडुसा। आइए साहब, अब पहले मैं आपको पॉलिप की फॉर्म दिखा दूं, आप बोले तो कैसा दिखता पॉलिप, तो इधर आइए, ये लीजिए स्टूडेंट, दिस वन, ये है पॉलिप, अभी हमने बनाया भी था स्टूडेंट, ये पॉलिप सिलेंड्रिकल, ये माउथ, ये स्टूडेंट दोबारा देख ले एक बार, ये नीचे देखिए सेजाइल, हाँ, और उसके बाद स्टूडेंट ये सिलेंट्रॉन कैविटी, ये स्टूडेंट माउथ, और ये टेंटाकल्स, ये लीजिए पॉलिप लॉन्ग सिलेंड्रिक एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा सा। अब स्टूडेंट सेकंड फॉर्म पे जाऊं, चलिए, एंड दिस इज कॉल्ड मेडुसा, फॉर्म नंबर सेकंड स्टूडेंट। और मेडुसा कैसा होता है? शॉर्ट अम्ब्रेला शेप स्टूडेंट, डबल स्टार फ्री स्विमिंग, ये डिफरेंस चल रहा दोनों में, दोनों के दोनों बेसिक फॉर्म डिप्लॉयड है, ये मैं आपकी बात मानता हूं, पर स्टूडेंट नेक्स्ट शॉर्ट अम्ब्रेला शेप फ्री स्विमिंग फॉर्म है, और मेडुसा हमेशा सॉलिटरी कॉलोनी का नहीं मिलेगा। ये कुछ पॉइंट, तो एक स्टूडेंट एक बहुत अच्छा फॉर्म है इसके साथ फ्री स्विमिंग, दिस वन, ये, और एग्जांपल ओरेलिया नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना था इसका कॉमन नेम, तो इतना फेमस है स्टूडेंट जेलीफिश, समुद्र का एक जोरदार एनिमल जेलीफिश मैराइन। और स्टूडेंट इसमें ये लुक है, मैंने बनाया भी था आपको, देखिए मैंने स्टार्ट किया था जब ऐसी तो बात बताई थी, ये रहा दिस वन। अब इसको देखो आपको मैं ओरिजिनल डायग्राम दिखा देता हूं, ये रहा, ये देखिए स्टूडेंट माउथ, या दिस इज वाइज सिलेंट्रॉन कैविटी, टेंटाकल्स ये रहे, और ये इस तरीके का, और ये लीजिए ओरिजिनल एग्जांपल ओरेलिया जेलीफिश, माउथ नीचे की तरफ है स्टूडेंट, टेंटाकल्स ये, डन। तो ओरेलिया जेलीफिश वो मेंबर है जो मेडुसा स्टेज में प्रेजेंट होता है, और हाइड्रा एडमेशिया वो मेंबर है जो पॉलिप स्टेज में मिलते हैं। व्हाट इज अ पॉलिप एंड मेडुसा? दीज आर द बेसिक फॉर्म ऑफ निडेरिया फाइलम। निडेरिया बॉडी की दो फॉर्म रखता है, पॉलिप एंड मेडुसा। सो निडेरिया आर निडेरिया डाइमॉर्फिक, टू बेसिक फॉर्म, डन। हाँ, अब स्टूडेंट एक और बात बताता हूं, बहुत जोरदार बात, सम निडेरिया में स्टूडेंट, इन सम निडेरिया पॉलिप और मेडुसा स्टेज का अल्टरनेशन देखने को मिलता है, जोरदार। ये देखो इधर, इन सम निडेरिया देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज इन लाइफ, एंड दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, डबल स्टार मेटाजेनेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाजेनेसिस? पॉलिप और मेडुसा स्टेज का अल्टरनेशन, उसे मेटाजेनेसिस के नाम से बोला गया। यानी ये हुआ स्टूडेंट, उनमें पॉलिप स्टेज भी है, और फिर पॉलिप मेडुसा को बनाएगी, फिर मेडुसा पॉलिप को बनाएगा, ये कहलाता है मेटाजेनेसिस। आज आप मुझे एक बात बताइए, वर्ड कितने आ गए हमारे पास, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड इज अ मेटाजेनेसिस। आपने कहा यस सर, मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ स्टेजेस, अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा स्टेजेस, श्योर। एक एग्जाम्पल, एक वर्ड आया स्टूडेंट मेटामॉर्फोसिस, यस स्टूडेंट ध्यान है आपको मेटामॉर्फोसिस, अरे अभी बताया था मैंने, लार्वा स्टेज कन्वर्ट इन टू एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल पूछा जाए तो हमारे पास तैयार है सब, श्योर, जिसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा उनमें लार्वा आएगा, लार्वा आएगा तो लार्वा को एडल्ट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि लार्वा तो रख नहीं सकते। कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट स्टेज इज नॉन इज द मेटामॉर्फोसिस, डन कर भाई, फ्री कर, अगला बता, अगला मेटाजेनेसिस के बाद स्टूडेंट अगली बात कर, और उसके बाद मेटाजेनेसिस मेटामॉर्फोसिस और नेक्स्ट स्टूडेंट एक मेटामेरिज्म, भूल गए क्या आप मेटामेरिज्म? याद करें एनेलिडा ट्रियो सेगमेंटेशन, और उसके बाद रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, मेटामेरिज्म, तीन वर्ड है स्टूडेंट, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। आज इसका एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं, मैं तैयार,
तो मैंने आपसे कह रहा हूं इन सम निडेरिया देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेटास्टेज एंड दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। एग्जांपल पूछे कोई तो जवाब है ओबेलिया। और स्टूडेंट पता है इसमें क्या होता है मेटाजेनेसिस? मैं आज एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। इसमें एक स्टेज होती है पॉलिप, हाँ, और एक स्टेज होती है मेडुसा। बिल्कुल ध्यान से, पॉलिप और मेडुसा स्टेज। स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक स्टेज होती है स्टूडेंट पॉलिप, बिल्कुल, और एक स्टेज होती है मेडुसा। बिल्कुल स्टूडेंट, पॉलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अच्छा हाँ, और मेडुसा में गॉनेट्स बनते हैं स्टूडेंट, ओके, गैमेट्स। अच्छा, और गैमेट्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो गैमेट्स फिर फ्यूज होके पॉलिप बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टीमेट। एक बार और, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। डन, जोरदार स्टूडेंट, मजा आ गई बात। देखिएगा, देयर इज एन अल्टरनेशन। मेटाजेनेसिस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेटाजेनेसिस इज पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। डबल स्टार स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट के लिए सबसे शानदार लाइन। इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल को इंटरचेंज करेगा, एक जोरदार स्टेटमेंट बना के देगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग। एग्जांपल पूछे ओबेलिया। ओबेलिया वो मेंबर है स्टूडेंट जिसमें ये मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। ओबेलिया को नॉर्मली सी फर के नाम से जानते हैं। कॉलोनिकल सिलेंट्रेटा है, इसका जो लार्वा से प्लेनुला लार्वा कहते हैं, प्लेनुला पोरिफेरा का लार्वा एम्फीब्लास्टुला, हाँ है ना? और प्लेनुला लार्वा ओबेलिया का, जोरदार स्टूडेंट, दिस वन प्लेनुला। पहला एग्जांपल ओबेलिया सी फर, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा एग्जांपल फाइसेलिया, जिस पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया का नाम होता है स्टूडेंट, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। व्हाई कॉल्ड द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर स्टूडेंट? इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहा गया? क्या ही लड़ने गया था पुर्तगाल में? लड़ने गया था? नहीं स्टूडेंट, इसके अंदर इसके जो टेंटाकल्स होते हैं उनसे इसके अंदर गैस भरती है जिससे कि फ्लोट का काम करता है, समुद्र में फ्लोट करता है स्टूडेंट, तैर रहा होता है, इसके टेंटाकल्स नीचे होते हैं, जोरदार। और इसका इसका जो मेडुसा स्टेज होता है ऊपर जब तैर रहा होता है तो वो लुक ऐसा देता है जैसे सोल्जर की जो कैप होती है स्टूडेंट, लड़ते समय दिखती। सो मैन ऑफ वॉर, हाँ मैं आपको बताता हूं, ओबेलिया और फाइसेरिया दोनों आपको दिखाता हूं स्टूडेंट। देखिएगा जोरदार पॉइंट आपको बताता हूं, ये देखिए पहले ओबेलिया, ये है ओबेलिया स्टूडेंट, कॉलोनिकल है, और ये देखिए बडिंग प्रोसेस से बढ़ता जा रहा है। डन, अब आइए एक और बात हुई थी आपसे, ये रहा वो स्टूडेंट फाइसेलिया, फाइसेलिया ये देखिए फ्लॉट कर रहा है, ये समुद्र, और ये समुद्र में स्टूडेंट दिस वन फाइसेलिया, ये रहा। डन, ये फाइसेलिया स्टूडेंट, ये रहा फाइसेलिया, और ये इसके टेंटाकल्स और इसके अंदर गैस भरी है जिसकी वजह से ये ऊपर तैरता हुआ चल रहा है, ये जी जोरदार फाइसेलिया पोर्टुगीज मेनोपॉज। नहीं आया समझ में? अल्टीमेट तैयार है? हाँ जी, है ना? तो हमारे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने निडेरिया को एक बात क्लियर करी आज के बाद, डाइमॉर्फिक है, पॉलिप और मेडुसा स्टेज देखने को मिलती है लाइफ में, कुछ में पॉलिप रहती है हमेशा, कुछ में मेडुसा रहती है, बट कुछ निडेरिया में तो अल्टरनेशन देखने को मिलता है, मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन को कहते हैं। उसमें पॉलिप और मेडुसा स्टेज का अल्टरनेशन चल रहा है, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा प्रोड्यूस करता है और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप प्रोड्यूस करता है। डन, हाँ या ना? और अब स्टूडेंट आपको एक जोरदार बात बताता हूं, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, क्लियर है यहां तक? अब मेरी बात को सुनना। पॉलिप स्टेज में स्टूडेंट, आपको एक और बात बताता हूं, पॉलिप स्टेज के अंदर या स्टूडेंट पॉलिप स्टेज जो होती है उसमें एक चीज देखी गई, ये पॉलिप स्टेज कि कुछ निडेरिया में पॉलिप स्टेज ऐसे है, ठीक है, बट कुछ निडेरिया में स्टूडेंट पॉलिप स्टेज में के बाहर इस तरीके से CaCO3 का स्केलेटन दिखा, यानी वो स्केलेटन से कवर्ड है, स्केलेटन, ओके, जोरदार,
जिनके बाहर स्केल्टन नहीं है उन्हें तो नाम दिया गया स्टूडेंट सी एनिमल, ये रहा डन। दीज पॉलिप्स हैव नो स्केल्टन, और इसका एग्जांपल वही है जो हमने पढ़ा एडमेशिया, एडमेशिया नाम है इसका स्टूडेंट, श्योर सी एनिमल एडमेशिया। समझ में आ रही है मेरी बात आपको मैं जो बोल रहा हूं? तो सी एनिमल एडमेशिया ये वो पॉलिप है, ये वो निडेरिया है जिसमें पॉलिप स्टेज मिलती है जिसके बाहर कोई स्केल्टन नहीं है, पर कुछ निडेरिया जो पॉलिप स्टेज वाले उनके बाहर सीएसयूत्र का स्केल्टन होता है, और विथ स्केल्टन निडेरिया नॉन एज कोरल, एक वर्ड आया स्टूडेंट ये रहा वो कोरल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरल आ जाएगा आपके सामने कोरल। ये जो निडेरिया मैं बोल रहा था इसे कोरल के नाम से जाना जाएगा, ये निडेरिया सी है बहुत पॉलिप, फर्क है सिर्फ स्केल्टन का, विथ स्केल्टन विदाउट स्केल्टन, विथ स्केल्टन निडेरिया नोन एज अ कोरल, इनके बाहर सीएसी होती का स्केल्टन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, बॉडी कवर्ड होती। अब आपने कहा सब एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल आज आपको देता हूं जोरदार। और स्टूडेंट उन एनिमल्स को कॉमन नेम जो दिया गया वो उनके स्केल्टन की शेप की वजह से दिया गया। आइए सब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर वन स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो गोरगोनिया, शानदार एग्जांपल, सी फैन, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, नीट में फेवरेट है स्टूडेंट, सी फैन गोरगोनिया। आपने कहा व्हाई कॉल्ड सी फैन, बिकॉज स्टूडेंट लुक लाइक ए फैन, हैंड फैन आता है स्टूडेंट हाथ में से पकड़ के, वैसा लुक है इसका सी फैन बिल्कुल। आइए दिखाता हूं कैसा दिखेगा, यूबिलिया क्लियर है, फाइसिलिया क्लियर है, दिस वन गोरगोनिया सी फैन, ये स्टूडेंट नीचे से ऐसे फैन पकड़ा और ये स्टार फैन की तरह सी फैन समुद्र का एनिमल। आइए अगले बात करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पेनाटुला, सी पैन कोरल है ये सब, और पेनाटुला सी पैन क्यों कहा साहब आपने सी पैन, क्योंकि इनका जो है लुक है स्टूडेंट पैन की तरह। इसी तरीके से एक एग्जांपल और इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मीन रेना ब्रेन कोरल, जोरदार इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, समुद्र का ये एनिमल इसका लुक ब्रेन की तरह होता है, इसके अंदर जबरदस्त रफ सर्फेसिस होती है, हमारा जो ब्रेन होता है इसके अंदर भी ऐसे रफ सर्फेसिस है, कॉन्वलेशन जिसे कहते हैं गायराइंसल का, ये ऐसे ऐसे इसके अंदर भी दिखता है जबरदस्त, तो ऐसा लगता है ब्रेन रखा हुआ है ब्रेन कोरल। आइए मैं आपको दिखाता हूं दोनों स्टूडेंट, देखिएगा ये भी क्लियर, फाइसिलिया गोरगोनिया भी क्लियर, दिस वन ये ओरेलिया स्टूडेंट जेलीफिश, ये वो है जिसमें मेडुसा स्टेज, याद करिए जेलीफिश मेडुसा स्टेज, शानदार एग्जांपल ओरेलिया जेलीफिश सिलेंट्रेटा का मेंबर मेडुसा स्टेज ओनली। अगला ये रहा स्टूडेंट ब्रेन कोरल, आप देखिए कौन ब्रेन जैसा लग रहा है या ऐसा रखा हुआ है, ये देखिए आप ऐसे ये सरफेसिस इसकी, हमारे ब्रेन में जैसे सरफेस होती है ऊपर नीचे वैसे दिखे ब्रेन कोरल। एक आपको मैंने सी पेन बोला था पेनाटोला, पेन पेन जैसा, पेन लिखते पेन जैसा ऐसा लुक आता है, पहले पेन इस तरीके, ये देखो सी पेन डन स्टूडेंट, जोरदार तैयार। आइए एक और एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट, ये है कोरेलियम, कोरेलियम क्या है स्टूडेंट, रेड मूंगा। अब मैं आपसे बोलूंगा स्टूडेंट कोरेलियम मूंगा स्टूडेंट, जनरली जैसे देखा जाता है कि अंगूठी में पहनाने के लिए मूंगा पन्ना ऐसा बोला जाता है, ये मूंगा ये रेड मूंगा मोस्ट एक्सपेंसिव कोरेलियम एनसीईआरटी में ये नहीं है, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल गोरगोनिया पेनाटुला मेंड्रेना कोरेलियम ये हायना तैयार। एक बात और आपको बताता हूं, कोरल मतलब आप समझ गए, कोरल मतलब विथ स्केल्टन निडेरिया, इनमें पॉलिप स्टेज होती है, पॉलिप रिप्रोडक्शन कौन सा करता है स्टूडेंट बडिंग, और बडिंग प्रोसेस द्वारा पॉलिप अपनी कॉलोनी को इंक्रीज करता है, जैसे मान लीजिए पॉलिप है तो इसके ये बड बनेगी, उस बड से फिर ये दोबारा इसके ऊपर निकल जाएगा पॉलिप, फिर ऐसे निकल जाएगा फिर ये, और पूरी के ऊपर स्टूडेंट सीएससी यत्री का स्केल्टन, और ऐसे करके सीएससी यत्री का स्केल्टन, तो पता है स्टूडेंट पॉलिप की कॉलोनी बढ़ती जाएगी, या और कॉलोनिकल पॉलिप के स्केल्टन के ऐसे मिलने से बनेगी कोरल रीफ, जोरदार कोरल रीफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरल रीफ स्टूडेंट आ जाए आपके पास, ये कोरल रीफ, एंड कोरल रीफ इज फॉर्म्ड बाय कॉलोनिकल पॉलिप कोरल सीलेंट्रेटा स्टूडेंट, कोरल रीफ इज फॉर्म्ड बाय सीलेंट्रेटा स्टूडेंट, आज के बाद ग्रेट बेरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया
सबसे बड़ी कोरल रीफ, लार्जेस्ट। और आज के बाद एक शानदार नॉलेज आई, कोरल रीफ क्या है। कोरल रीफ एक निडेरिया है, सीलेंट्रेटा है, और सीलेंट्रेटा की वजह से बनी है स्टूडेंट। सीलेंट्रेटा में भी वो कोरल सीलेंट्रेटा, ये ऐसा आवाज। तो सीलेंट्रेटा फाइलम, उसके सारे कैरेक्टर्स डन। हा या ना, चलो स्टार्ट करो सीलेंट्रेटा में। टिश्यू लेवल नहीं, शुरू से नीट के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, और एनसीईआरटी की सारी लाइन है। मोस्टली मैराइन, यस। टिश्यू लेवल डन, रेडियल सिमेट्री डन, बॉट टाइप ऑफ डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर पहले उसके बाद इंट्रा सेलुलर डन, ब्लड सेक बॉडी प्लान, माउथ ऑल्सो एक्ट एज एनस डन, डिप्लोब्लास्टिक डन, डाइमॉर्फिक, पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज इन लाइफ डन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग डन, यूनिक फीचर प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रॉन कैविटी, सेकंड प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल, नीडोब्लास्ट सेल्स डन, टोटिपोडेंट सेल्स इज इक्वल टू इंटरस्टियल सेल्स डन, श्योर। और आप एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात की जाए तो आज एग्जांपल स्टूडेंट इनके ये रहे। फॉर एग्जांपल लाइन सम, अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर एक बार ले, हाइड्रा श्योर डन, हाइड्रा, हाइड्रा के बाद स्टूडेंट एडमेशिया, सी एनिमल डन, ओबेलिया, सी फर, फाइसेलिया, पोर्टिगेस मैन ऑफ वॉर, ओरेलिया, जेलीफिश, गोरगोनिया, सी फैन, पेनाटुला, सी पैन, मेंड्रेना, ब्रेन कोरल। एग्जाम्पल याद हुए, हाइड्रा डन, एडमेशिया, सी एनिमॉन, सी फर, पोर्टिगेस मैन ऑफ वॉर, जेलीफिश, सी फैन, सी पैन, ब्रेन कोरल। अब सुनो, पॉलिप, उसमें भी कोरल, जोरदार मजा आ गया था। मेडुसा स्टूडेंट सुनो, बहुत पॉलिप एंड मेडुसा, दिस वन डन हाइड्रा में। और स्टूडेंट पहले ये लीजिए, मजा आ गया सब पूरा टॉपिक। तो हमारे पास ये तैयार, सिलेंट्रेटा फाइलम डन, श्योर। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, दो फाइलम क्लियर हुए। एक बार रिवाइज कर दीजिए इसको पूरा अच्छी तरीके से।